नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सुम्मी के एक मल्टी बैगर रिटर्न के बारे में, कैसे आपका 10,000 रुपये का मात्र इन्वेस्टमेंट जो है मदरसन सुम्मी में आपको 1 करोड़ का रिटर्न दे सकता था, कैसे आपको 1 करोड़ से भी अधिक कहे तो 1,39,00,000 इतना का बड़ा रिटर्न आपको मात्र 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे मिल सकता था अगर आप 1993 ईस्वी में इन्वेस्ट करते मदरसन सुम्मी में। उस समय इसका IPO आया था 41 रुपीज़ के कॉस्ट पर और 10,000 मात्र आप इसमें इन्वेस्ट कर देते तो आपको एक ह्यूज रिटर्न मिलता, मतलब आप 1 करोड़पति होते 10,000 रुपये से, साथ ही साथ आपको लगभग 2,00,000 रुपये का हर साल डिविडेंड के रूप में भी अमाउंट मिलता। तो इतना बड़ा मैजिकल रिटर्न के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चलिए इस मैजिक के बारे में आप भी जान लीजिए। तो ये हमारा सारा डाटा जो कि हमने तैयार किया है मदरसन सुम्मी के जो कॉर्पोरेट एक्शन है बोनस और स्टॉक स्प्लिट, उससे बोनस और स्टॉक स्प्लिट के बारे में नहीं जानते हैं तो बोनस और स्टॉक स्प्लिट के मैजिक को आप इस वीडियो में सीख जाएंगे कि बोनस और स्टॉक स्प्लिट कैसे आपके रिटर्न को एक मल्टी बैगर रिटर्न में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ शेयर्स जो है 10,000 में आप कुल 243 शेयर आप खरीद पाते, तो 243 शेयर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता, उस समय जो प्राइस था 41 रुपीज़, जिस समय IPO आया था 93 में और फेस वैल्यू था 10 रुपीज़। अब इस 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू के द्वारा जो कॉर्पोरेट एक्शन होगा, फेस वैल्यू को स्प्लिट किया जाएगा, बोनस आपको दिया जाएगा, तो सारे कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पर आपको दिया हो गया है। तो देखिए 97 में ये पहली बार बोनस लेके आया मदरसन सुम्मी 1:2 का, मतलब 2 शेयर पर 1 शेयर आपको फ्री मिलेगा। तो इसका जो हाफ कर दीजिए 243 का हाफ शेयर जो है आपको फ्री मिलेगा, 243 इसका हाफ हो गया आपको 121 शेयर इसमें जोड़ दीजिए तो कुल शेयर हो जाएगा 364 शेयर। और फिर से 2000 ईस्वी में जो है बोनस लेकर आया मदरसन सुम्मी 1:2 का, मतलब 2 शेयर पर 1 शेयर फ्री, फिर 364 का हाफ कर दीजिए, उतना शेयर इसमें प्लस कर दीजिए तो कुल शेयर हो गया 546। फिर 2002 ईस्वी में ये स्टॉक को स्प्लिट किया 5 रुपीज़ फेस वैल्यू में, तो 5 रुपीज़ के फेस वैल्यू में जब स्टॉक को स्प्लिट किया तो 10 से हो गया 5, तो जब फेस वैल्यू आधा हुआ तो शेयर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहां से शेयर को 2 टाइम्स कर दीजिए। फिर जो हमारा स्टॉक स्प्लिट हुआ फेस वैल्यू 1 में, मतलब 5 से फेस वैल्यू होगा 1, तो 5 टाइम्स मतलब हमारा शेयर हो जाएगा, तो इसका 5 टाइम्स कर दीजिए तो हो गया 5,460, तो फेस वैल्यू अब हो गया 1। आप फिर से बोनस लेकर आए 2005 ईस्वी में 1:2 का, तो 1:2 मतलब इसका आधा शेयर आपको फ्री मिलेगा, तो 5,460 का आधा शेयर फ्री, तो मतलब इसमें आधा शेयर जोड़ दीजिए तो हो गया 8,190। फिर इस पे 1:2 का बोनस, हमेशा 1:2 का ही बोनस लेकर आया है, तो इसका आधा 8,190 का आधा शेयर इसमें जोड़ दीजिए तो हो गया 12,285। फिर से 1:2 का बोनस लेकर आया तो 12,285 का आधा शेयर तो इसमें ऐड कर दीजिए तो हो गया 18,427। फिर इसका आधा शेयर, फिर जो इसका आधा शेयर बोनस के रूप में 1:2 के रेशियो में 2013 में तो हो गया हमारा 27,640। फिर 2015 में 1:2 का बोनस, तो फिर से 27,640 का आधा इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 41,460। फिर इसका आधा शेयर फ्री, मतलब 1:2 बोनस के तहत, तो हो गया 62,190। फिर इसका आधा शेयर फ्री, तो इसका कुल शेयर हो गया 90,285, मतलब 93,285 कुल शेयर हो गया आपका 2020 में कुल शेयर है आपके पास 93,285, तो टोटल शेयर आपके पास हो गया 93,285। और ये शेयर जो हमारा है, इतना नंबर ऑफ शेयर हो गया मात्र आपका 243 शेयर, तो टोटल रिटर्न जो होगा 10,000 के अमाउंट के इन्वेस्टमेंट पे 41 रुपये के प्राइस के रेट से 93 में जो आपने इन्वेस्ट किया था, तो इतना शेयर को मल्टीपैकर जो 150 जनरल प्राइस होता है, अभी जो मार्केट में पैंडेमिक सिचुएशन उसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आया है, नहीं तो 150 इसका एक एवरेज प्राइस था जो कि हम आपको दिखाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1,39,92,750। तो यहाँ पर 1,39,00,000 का अमाउंट आप बना लेते जनवरी 2020 में, तो समझ सकते हैं इतना
बड़ा इन्वेस्टमेंट पर आपका रिटर्न मिला, इतना बड़ा रिटर्न मात्र 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे, कि 1,39,00,000 का अमाउंट होता आपका जनवरी 2020 में। और अगर अभी का करेंट प्राइस के अनुसार देखें तो अभी आपका 100 रुपये के आसपास है शेयर का प्राइस, तो हो जाएगा 93,00,000। मतलब इतना पैंडमिक सिचुएशन में गिरावट के बाद भी आपका जो अभी भी शेयर प्राइस 100 रुपीज़ का है, तो समझ सकते इतना बड़ा लॉजिकल रिटर्न किससे मिला, बोनस और स्टॉक स्प्लिट से। इवन 100 रुपीज़ का भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते 93 में तो अभी आपका रिटर्न जो है 3,00,000 रुपये के आसपास होता, साथ साथ आपको जो है डिविडेंड के रूप में जो अमाउंट मिलता वो अलग से होता। जैसे अभी आपने देखा 10,000 में आपने 243 शेयर खरीदा था वो 93,000 शेयर हो गया, तो 93,000 पे जो डिविडेंड मिलेगा आपको 1,86,000 का, मतलब 2 रुपीज़, मतलब हमारा जो है मदरसन सुमी 2 रुपी पर शेयर का एवरेज रूप से डिविडेंड देता है। तो आप समझ सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 93,000 में, तो आपको 1,86,000 का एवरी ईयर मतलब डिविडेंड के रूप में प्राप्त होता। तो ये था मदरसन सुमी का मैजिकल रिटर्न। चलिए हम इसके प्राइस को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मदरसन सुमी का यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं मदरसन सुमी का शेयर कभी 300 तक जा चुका था, समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 274 रुपीज़ आपको यहाँ पर 254 रुपीज़ आपको प्राइस देख रहा है, 300 के आसपास भी यह जा चुका था। अगर 250 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिटर्न है वो 2 करोड़ से भी अधिक होगा। तो समझ सकते हैं मदरसन सुमी कितना बड़ा रिटर्न आपको दिया है। कई सालों से हमारा ऑटो सेक्टर अंडर परफॉर्म रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें जो करेक्शन आपको देखने मिला था, इसमें करेक्शन 75% तक आ चुका था। समझ सकते हैं 75% करेक्शन पर आपको स्टॉक ये मिल रहा था अपने जो ऑल टाइम का हाई है 254 रुपीज़। तो समझ सकते हैं ऐसे में इस स्टॉक में आप जरूर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं कितना शानदार है 2.37% का, तो इतना परसेंट निकाल दीजिए करेंट प्राइस का तो आपको 2 रुपीज़ डिविडेंड आ जाएगा। देख सकते हैं 94.85 रुपीज़ है, 2.37% इसका निकाल दीजिए 2 रुपीज़ डिविडेंड हो गया। तो डिविडेंड भी शानदार है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है। और समझ सकते हैं ये कई इन्वेस्टर को मिलीनियर बना चुका है, बिलीनियर बना चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स अगर आपको मिलता है डिस्काउंटेड प्राइस पे आप जरूर इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कैसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर सकता है, एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए करें और अच्छे स्टॉक्स में करें। अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उसके सारे फंडामेंटल रिसर्च करने पड़ेंगे कि आगे उस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए, उसके फंडामेंटल्स अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि जब फंडामेंटल्स उसके ख़राब होने लगेंगे तो आपको उस स्टॉक से बाहर आना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।